अंबिकापुर में नल जल योजना के निर्माण कार्य में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। ग्राम खाला माझापारा में ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से नल जल योजना का निर्माण कार्य अधूरा है। आधा अधूरे निर्माण कार्य से ग्रामीण परेशान हैं। पानी लाने ग्रामीण महिलाओं को लंबी दूरी तय करना पड़ता है और मामले में सरगुजा कलेक्टर ने योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को जाँच करवाकर जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। खाला रहती माझापारा पानी एक समस्या से हर घंटा रहे आदमी लहन तो पानी आते नहीं है। पानी है तो काला दे मोड़वा नहीं है, गाड़ी नहीं है। समस्या तो दिन भर पानी कर समस्या रहे तो बोरिंग में जाते पानी हमन। गांव में तो बोल रहे थे कि इसको लगाने के बाद पानी आ जाएगा, बोले कि टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आ जाएगा, पर यहाँ पर तो बना कर ऐसे ही खड़ा कर दिए है। पानी की बहुत समस्या हो रही है यहाँ पर, और वहाँ प्लस तो टंकी है वो भी फूटा हुआ है, और घर के पीछे पीछे जो साइड में लगा हुआ है देख भी नहीं करते हैं, कह के उसको ऐसे ही बनाकर छोड़ दी। क्या है कि अभी जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत सारे काम हो रहे हैं, सालों से तो 10 सालों से तो नहीं, जल जीवन मिशन पिछले 4-5 साल से लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ने, क्या सालों से तो नहीं है। अगर कहाँ कमियाँ होगी या वर्क प्रोग्रेस में होगा तो हो सकता है कि उससे एक्सटेंशन के लिए उन्होंने प्रपोज किया होगा या पानी की कमी होगी तो देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सटेंशन भी कर लेंगे, और रिपेयर का होगा या कोई कमी होगी तो उसका भी पूरा किया जाएगा। धान खरीदी के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसे देखते हुए कोंडागांव जिले में धान खरीदी केंद्रों पर धान की आवक बढ़ गई है। जबकि पहले से रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की वजह से केंद्र पर धान रखने की जगह नहीं बची, जिसे देखते हुए खरीदी केंद्र प्रभारी परेशान नजर आ रहे हैं। धान का उठाव नहीं होने से समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बेमौसम बारिश की आशंका से भी केंद्र प्रभारी चिंतित हैं। जिले में जो खरीदी अभी तक हो गई है उसका लगभग 42 से 43% की उठाव हो गया है, और डीओ की बात करें तो इसमें निरंतर मिलर से और ट्रांसपोर्टर से फूड और डीएमओ के द्वारा भी सतत संपर्क करके उनको उठाव के लिए कहा जा रहा है, अधिक से अधिक उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव हो सके। धान खरीदी का समय अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और लगातार किसान धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर धान खरीदी केंद्र में किस तरीके से किसानों की मेहनत की फसल जमा हो गई है, वे अपनी फसल बेच के चले गए हैं। जहां धान खरीदी केंद्र है वहां पर धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। आप देखिए पूरे धान जाम पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चिंता वाली बात धान समिति को ये लेकर है कि कहीं मौसम बिगड़ गया, बारिश हो गई तो फिर इन धान को संभाला कैसे जाएगा। हालांकि अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि बहुत जल्दी धान का उठाव होगा, पर धान का उठाव अभी तक नहीं हो पाया। हमारे साथ में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं। भैया क्या दिक्कतें आ रही हैं, धान क्यों उठाव नहीं हो रहा है? सर आवक बढ़ गया, और आवक बढ़ने से लिमिट भी बढ़ गया, इसलिए समिति में रखने के लिए जगह नहीं है, जो उठाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारी कहीं बारिश हो गया तो लेम से को नुकसान होगा समिति को। अच्छा ये बताइए उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह, क्या बात बोल रहे हैं अधिकारी? सर अधिकारी तो बोल रहे हैं कि आज होगा कल होगा, गाड़ी एक गाड़ी दो गाड़ी भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास आवक 3,000 से बोरा से 4,000 बोरा तक एक दिन का आवक हो जाता है, जो कि रख रखाव के लिए थोड़ा सा व्यवस्था सुधार होना चाहिए। कि धान कब तक उठाव होता है और समिति को राहत कितनी मिल पाती है, क्योंकि धान बारिश में भीगने पर पूरा नुकसान समिति प्रबंधक के ऊपर ही आती है। News 18 के लिए गिरोला से विवेक श्रीवास्तव। पूरा देश राममय हो गया है, हर कोई प्रभु राम के भजन गुनगुना रहा है, ऐसे में सरगुजा के रहने वाले गायक स्वप्निल जायसवाल का छत्तीसगढ़ी गीत खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सजावो घर गली पर छी, ये गाना प्रदेशवासियों की जुमा पर अब चढ़ गया है, आप भी सुनिए। पर ये प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जो स्थिति हमारे मंदिर को लेकर, कांकेर के पखांजो नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये नगर पंचायत बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड के बाद से सुर्खियों में है। क्या असीम राय हत्याकांड से नगर पंचायत में वोटिंग का कनेक्शन है,
इस रिपोर्ट में देखिए। कांकेर के पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। पार्षद कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। जब वोटिंग हुई तो 15 में से 11 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव आज नगर पंचायत पखांजूर के सभी पार्षदों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट में चुनाव कब होगा ये डिसाइड ये करके तारीख बताएंगे, और तारीख जब बताएंगे तो हमारे जितने पार्षदगण हैं सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होगा। नगर पंचायत पखांजूर में 15 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा के 9 पार्षद और कांग्रेस के 6 पार्षद जीत कर आए थे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी, लेकिन बीजेपी के 2 पार्षद वार्ड क्रमांक 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पार्षद विकास कुमार पाल और वार्ड क्रमांक 4 शीतला माता वार्ड की पार्षद माया रानी सरकार बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जिसके बाद कांग्रेस के बप्पा गांगुली अध्यक्ष बने और माया रानी सरकार उपाध्यक्ष बन गई। हमारे पास तो 11 लोग, तो 11 के 11 सभी अपने पक्ष में पड़ा है। नाम तो कई लोगों का आ सकता है, लेकिन वो तय करेंगे आपस में बैठ के। इस बीच कांग्रेस के पार्षद जो अध्यक्ष से नाराज चल रहे थे, उन्होंने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन प्रशासन को सौंपा। इसके बाद से लगातार उठापटक चलती रही और असीम राय को भारी पड़ता देख उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल पर लगा और फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। खबर रायपुर से है, जहां कोचिंग सेंटर को लेकर केंद्र की सरकार की नई गाइडलाइन पर छात्रों और परिजनों ने सरकार की गाइडलाइन को सही बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। ने एक नया कानून लाया है, ये कोचिंग संस्थानों के ऊपर है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ सकेंगे। ये रूल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या बेहतर है सरकार का ये जो कदम सरकार ने उठाया है? नहीं, जो सरकार ने कदम लिया है उसका मैं समर्थन तो करता हूँ, लेकिन एक तरफ ये भी सरकार को इसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि स्कूल की जो व्यवस्था है उसको सुधारे। सुसाइड के मामले जो हैं वो ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि मतलब पेरेंट्स और बच्चे आपस में कई बार बच्चे मतलब पेरेंट्स को नहीं बता पाते। कहीं जाते हैं 11th 12th के बच्चों को बोलते हैं नीट देना है क्या, तो उन लोगों को नीट का मतलब ही नहीं पता रहता कि अच्छा नीट एक एग्ज़ाम है। तो स्कूल को ये सब नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं बाहर का भी सब बताना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो, इससे आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो और भी बहुत सारा है जो आप कर सकते हो। तो वही बस आप पेरेंट्स हैं मैम, कोचिंग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के भी निकाल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे कोचिंग की जरूरत पड़ती है, नया नियम जो आया उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? दिन सुबह से लेकर के शाम तक के ऑफिस में बैठना पड़ता है, हमारे पास समय नहीं होता कि हम बच्चों को उस टाइम पर दे सकें, बहुत सारी चीज़ें उनकी छूट जाती है, तो बिना कोचिंग के तो उनसे गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे पर पूरा टाइम इशू नहीं कर सकते। अगर सिलेबस क्लियर हो, स्कूल टाइम से ही उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिले तो ये बेहतर हो सकता है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत। ये भी सोचने वाली बात है सर, एक क्लास में हम भर देते 40-40 बच्चे और टाइम होता है 45 मिनट या 1 आवर, तो एक टीचर के ऊपर भी ये बहुत बड़ा दबाव होता है कि कौन से बच्चे को हम कितना क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते कि कोचिंग तो हो, बट कोचिंग ऐसा हो कि वो बच्चे पेरेंट्स और बच्चे और टीचर में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये थे स्टूडेंट और कुछ पालक जिन्होंने कहा कि जो सरकार ने नियम लाया है वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे जो प्रवेश परीक्षा की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर सके और अच्छे से परीक्षा निकाल सके। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अयोध्या राम जन्मभूमि के संघर्ष पर बनी फिल्म 695 देखने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री घनश्याम चौधरी ने कहा, वर्षों के संघर्ष के बाद ये शुभ दिन आया है। फिल्म 695 में राम जन्मभूमि को लेकर वर्षों के संघर्ष की कहानी बताई। ये प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जो स्थिति हमारे मंदिर को लेकर के बनी थी,
वह स्थिति को देखना अति आवश्यक है। आज जो दिन पहुंच पाए हम, उसके पीछे का जो संघर्ष है वो इस पिक्चर के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। और संपूर्ण समाज को हमारा संघर्ष, हमारे समाज के द्वारा संघर्ष किया गया, भगवान राम के जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष किया गया है वह इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। और हम तो पूरा देश इस समय राममय हो गया है, हर कोई प्रभु राम के भजन गुनगुना रहा है। ऐसे में सरगुजा के रहने वाले गायक स्वप्निल जायसवाल का छत्तीसगढ़ी गीत खूब सुर्खियां बटोर रहा है, आप भी सुनिए। सजाबो गली परछी, अवधपुरी राम आए हैं, मनाबो मिलकर दिवाली, दिया मन के जलाबो जी। प्रदेश के गायक स्वप्निल जायसवाल का ये गीत इन दिनों प्रदेश के हर वासी के जुबा पर है। जब पूरा देश ही राममय होकर राम धुन गुनगुना रहा है, ऐसे में सरगुजा का ये कलाकार भी प्रभु के लिए अपनी भक्ति को रोक नहीं पाया और बना दिया भगवान राम का मधुर गीत। सजाबो घर गली परछी, अवधपुरी राम आए, मनाबो मिल के दिवाली, दिया मन के जलाबो जी। अबड़ दिन बाद मिले है मौका ये तिहार मनाए के, धन्य है भाग हमरो घर प्रभु जी चल के आए। चोला तर जाही हमन के, प्रभु के दर्शन लापा के जी। स्वप्निल जायसवाल का ये गाना सोशल मीडिया पर ऐसा हिट हुआ कि मात्र कुछ घंटों में ही गाने को 10 लाख से भी अधिक लोगों ने देखा और अभी भी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान राम के इस छत्तीसगढ़ी गीत को जमकर लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जो रामगढ़, सभी को पता है भगवान राम अपने वनवास के दौरान बहुत समय वहाँ पर गुजारे थे, तो बचपन से हम श्री राम जी के काफ़ी उनसे लगाव था। और चूंकि आज माहौल जो है हर तरफ राममयी है और श्री राम का ही नाम हर तरफ है, तो मैंने भी बस सोचा, मैं खुद को रोक भी नहीं पाया कि मैं इस भक्तिपूर्ण भाव से अपने गीत को पेश करूँ। तो इसे लिखा है मेरे मित्र फरुण यादव जी ने। बता दें कि स्वप्निल जायसवाल के द्वारा लिखे और गाए हुए इस गीत को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शेयर किया। गाना सरगुजा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा रहा है। भगवा रंग में रंगी अयोध्या, राम जी अयोध्या आए, शुभ दिन है ये भारत देश का, अयोध्या के राजा है आए। कितने खुश हैं क्या बताएं, नैनों में दीप जलाएं, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। तो ये थे स्वप्निल जायसवाल, जिनके गाना अब पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।